हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। शुरू करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के महल जय विलास पैलेस में मेहमान बनकर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। सौगात के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी सिंधिया जी के महल में लजीज व्यंजन चखेंगे। जय विलास पैलेस में पहली बार आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इनकी मेजबानी करेंगे। दोस्तों, 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ग्वालियर आ रहे हैं। ग्वालियर में 16 अक्टूबर को सिंधिया घराने के महल के अतिथि देश के गृह मंत्री अमित शाह होंगे। करीब 1.5 घंटे तक वह सिंधिया के महल में रहेंगे और 16 अक्टूबर को प्रदेश के ग्वालियर में एयर टर्मिनल के विस्तार का शिलान्यास करेंगे। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का यह पहला मौका है कि वे सिंधिया जी के महल में आएंगे। यही कारण है कि 2 दिन पहले से ही ग्वालियर आकर सिंधिया जी पूरे कार्यक्रम की कमान अपने हाथों में ले रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए महल में स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई है। कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह जी ग्वालियर एयरपोर्ट पर 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे उतरेंगे। इसके बाद सीधे भूमि पूजन स्थल पर जाएंगे। वहां करीब 10 मिनट शिलान्यास का कार्यक्रम चलेगा, जिसे लाइव दिखाया जाएगा। इसके बाद अमित शाह जी सीधे जय विलास पैलेस के लिए रवाना हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के महल में आने से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लगातार नजदीकियां बढ़ाने में लगे हुए हैं। 12 अक्टूबर को आपने देखा होगा, उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकाल मंदिर में प्रवेश के समय प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद तीसरे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ही नजर आ रहे थे। अब और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के सिंधिया जी के महल में जाने की बात से बीजेपी में विरोधियों की सांसें थमी हुई है। बीजेपी में विरोधियों को लगता है कि नजदीकियां बढ़ने से कहीं हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को प्रदेश की कमान न सौंप दी जाए। दोस्तों, इस प्रकार से ब्रेकिंग न्यूज थी। यदि आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।